नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण गोदारा, पूर्व निगम प्रत्याशी मंगलापुरी वार्ड, आप सभी को आज तीज के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि सभी इन त्यौहारों के आज इस महीने में स्वस्थ रहें और खुश रहें और अच्छी प्रकार अपने परिवार सहित अपने इन त्यौहारों का मनाएं। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र गुप्ता, स्टार सिटी न्यूज़ में आप देख रहे हैं किशन गोदारा जी, पूर्व नगर निगम प्रत्याशी मंगलापुरी वार्ड से। किशन जी, मेरा पहला सवाल है, अभी जैसे कि कोरोना महामारी को देखते हुए हम बात करेंगे, सेकेंड वेव जो भी समाप्त हुआ है, अभी लॉकडाउन जो खोला गया है, बताई जा रही है कि तीसरी लहर की भी आने की आशंका है और त्यौहारों का टाइम भी है, तो लोगों को एक अवेयरनेस करने के लिए आप लोगों को छोटा सा एक संदेश देना चाहते हैं जागरूकता होने के लिए। जी, अभी दूसरी लहर अभी समाप्त हुई है और उस समय कोरोना की इतनी बुरी हालत इन्होंने मतलब महामारी थी कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग किस तरह से परेशान हुए घूम रहे थे, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था। तो उसको देखते हुए अब तीसरी लहर की संभावनाएँ व्यक्त की जा रही है, हो सकता है आ जाए। तो सभी मेरे भाइयों से, सभी से, बहनों से, माताओं से, सभी बुज़ुर्गों से, नौजवान साथियों से निवेदन है कि इस महामारी को देखते हुए जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पालन अवश्य करें, 2 गज की दूरी और मास्क लगाएं और सैनिटाइज हाथ धोते रहें हर समय पे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो हम कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना अगर तीसरी वेव आती है तो सरकार की क्या व्यवस्था है दिल्ली में? दिल्ली सरकार की व्यवस्थाएं तो दिल्ली सरकार ही बता पाएगी, हम तो एक समाज में सामाजिक तौर पर रहते हैं तो समाज का काम करते हैं, तो समाज में हम तो जिस तरह से मान लो कोरोना की महामारी आती है उसके बचाव के लिए हम अपने समाज के साथ खड़े हैं, हम उनको गाइड करेंगे, हम उनको अगर हो सकेगा ज़्यादा अगर फैलेगी तो हॉस्पिटल्स वगैरह का या ऑक्सीजन वगैरह का सरकार से यही कहेंगे कि इंतज़ाम करें, केंद्र सरकार से भी, दिल्ली सरकार से भी यही होगा कि हमारी तो भगवान से भी यही प्रार्थना है कि ना आए, लेकिन कुछ पता नहीं लगता इस महामारी का, कोरोना का कब आ जाए। अभी केरल में जैसे फैली हुई है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो दिल्ली का भी पता नहीं लगता कब आ जाए। भीड़ भाड़ के इलाकों से हमें बचना चाहिए, हमें ज़्यादा मार्केट्स में त्यौहार के समय पे अधिक नहीं जाना चाहिए, भीड़ भाड़ से बच के हमें मास्क लगा के ही रहना चाहिए। सर, इस कोरोना महामारी से वैसे ही व्यापार इस समय चौपट है, ऊपर से महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम, किस तरह ये कंट्रोल होगा महंगाई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, महंगाई तो बहुत चढ़ी हुई है, तो इसमें सरकार से भी, मेरा दिल्ली सरकार से भी निवेदन है कि हर आदमी की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए महंगाई पे कंट्रोल करें, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हुए, उनको रोज़गार नहीं मिल पाया और जो कमाई के साधन थे वो कम हुए, तो उसमें सभी से मेरा निवेदन है कि दिल्ली सरकार में जैसे हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं महंगाई पे, ज़रूरी चीज़ें जो हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं या अन्य महंगाई जो होती रहती है उनको कंट्रोल करें और सभी के लिए उपलब्ध कराएं, भले ही वो सब्सिडी से करें या जिस तरह से भी कंट्रोल करना है सरकार को, काम है ये सरकार को करना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। अध्यक्ष गुप्ता जी, सर दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में क्या तैयारियाँ चल रही हैं एमसीडी चुनाव को लेकर, 2022 में चुनाव हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर तक जा रही है लगातार और भारतीय जनता पार्टी आदेश गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में लगातार काम कर रही है और 2022 के जो चुनाव में निगम में जैसे पिछली बार भी सफलता मिली है, इस बार भी पूरी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है और उसमें तैयारी बूथ स्तर पर लगातार चल रही है। अभी हमारी एक जन समर्थन यात्रा भी पूरी दिल्ली भर में है, उसमें भी हमारे केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल होंगे जन समर्थन यात्राओं में, और हमारे जो कार्यक्रम लगातार बूथ स्तर पे जो चल रहे हैं, बूथ की तैयारियां लगातार वो चल रही हैं। सर, आपका द्वारका विधानसभा का मंगलापुरी वार्ड लगता है जी, क्या क्या समस्याएं बनी हैं वहाँ की? मंगलापुरी वार्ड में जो समस्याएं पहले थी वही आज हैं, समस्याओं का समाधान अभी तक न निगम पार्षद करा पाए हैं न विधानसभा में विधायक करा पाए हैं। पानी की समस्या ज्यों की तो बनी हुई है, पहले भी पानी उतना ही आता था, आज भी उतना ही आता है, टैंकरों से लोग भरने को मजबूर हैं, कई क्षेत्र है, कैलाशपुरी है, मंगलापुरी है, महावीर इनक्लेव है, नसीरपुर है, उन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं हो पाती है।
तो पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, सीवर की बड़ी समस्या है कि सीवर ठीक से चल नहीं पाता है, भर जाता है, उसकी सफाई नहीं हो पाती। और बरसात में सबसे बड़ी समस्या अभी देखने को आई है, जल भराव बहुत हुआ है। तो उनके नाले जो जितने भी हैं, दिल्ली सरकार ने नाले तो बनाए हैं, जल बोर्ड ने नाले भी बनाए हैं, लेकिन उन नालों की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती और सारा पानी सड़कों पर बरसात का जो पानी है वो भर जाता था और आने जाने का रास्ता भी नहीं रह पाता था। और विशेषकर इस वार्ड में, मंगलापुरी वार्ड में तो सफाई की बड़ी व्यवस्था बहुत ख़राब हो रखी है। सर, मंगलापुरी वार्ड से आपका जो जनसंपर्क है समाज में, और आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, अगर आपको पार्टी दोबारा मैदान में उतारती है एमसीडी चुनाव को लेकर, तो कैसा टक्कर, क्या रुझान रहेगा? देखिए, मंगलापुरी वार्ड में जैसे पहले भी मैं चुनाव लड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो मौका दिया था, अगर आगे भी मौका देगी तो हम तो चुनाव लड़ेंगे तो जीतते हैं बिल्कुल। और आज हालत यह है, जबकि ये वार्ड बहुत कमज़ोर वार्ड है पार्टी की दृष्टि से, डी ग्रेड का वार्ड है, लेकिन हमें अब विश्वास है कि हमने समाज में जो काम किए हैं, समाज में हम जाते रहे हैं, समाज के लोगों से मिलना जुलना रहा है, और आम आदमी पार्टी वालों ने यहाँ पर कोई काम नहीं किए हैं, उन्होंने देख लिया कि मंगलापुरी वार्ड में इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, सबको पता है, तो हम ये सीट अवश्य निकाल पाएंगे। कितनी सीटें दिल्ली में आ रही थी, 272, क्या पहले के मुकाबले? पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी, अब पहले से बढ़ेंगी सीटें, क्योंकि सरकार दिल्ली में जो सरकार है अभी कोरोना में जिस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई दिल्ली में महामारी का, हॉस्पिटल्स नहीं थे, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, तो बहुत सारा यहां पर दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल रही है यहां पर। तो उसमें नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाई, सफाई व्यवस्था भी काफ़ी रखी है, दवाइयां भी उन्होंने बंटवाई है, वैक्सीनेशन का लगातार काम चल रहा है जो केंद्र सरकार की तरफ से फ्री में दिया जा रहा है, राशन का वितरण भी फ्री में जो दिया जा रहा है वो बांटा जा रहा है। दिल्ली सरकार उस तरफ भी जो राशन केंद्र सरकार ने दिया था बांटने के लिए वो भी नहीं बांट पा रही गरीबों को, 80 करोड़ गरीबों को राशन केंद्र सरकार ने दिया लेकिन दिल्ली में नहीं मिल पा रहा है सबको। तो इसी मुनीनी विकास के मुद्दों पे, इन्हीं कामों के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी दोबारा से फिर निगम में फिर सरकार बनाएगी।